हम आपको बनाने हेलो भाई और बहनों, हम बनाने जा रहे हैं आलू पालक। आलू पालक के लिए आपको क्या क्या चाहिए, हम ये इंग्रेडिएंट्स आपको बताएंगे। इसके लिए आपको चाहिए 4 हरी मिर्ची, 4 लहसुन, 100 ग्राम आलू और 1 प्याज। इसके लिए थोड़ा सा जीरा और हल्दी और नमक स्वाद के अनुसार। पालक कितनी थी? और इसके लिए आपको चाहिए 1 किलो पालक, फ्रेश पालक ये। और हम बनाने जा रहे हैं आलू पालक, ये पेशकारी हमारे बनाओ भाई पेश करेंगे आपके सामने अभी। 2 चम्मच तेल लीजिए, थोड़ा सा जीरा डाल दीजिए और इसके बाद लाल होने तक इसको लाल होने दीजिए। और इसमें हरी मिर्च ऐड कीजिए 1 चम्मच बोला, और इसमें हरी मिर्च के बाद लहसुन ऐड कीजिए और इसको थोड़ा सी भूनिए। अब इसमें आलू ऐड कीजिए, किए जाएंगे। हमारे मनाव भाई ने आलू ऐड कर दिए हैं। अब इसको थोड़ा टाइम भूना जाएगा। अब इसमें हम प्याज डालेंगे, इससे फ्लेवर अच्छा आएगा। और इसको मिक्स करेंगे थोड़ा टाइम। अब इसको 2 मिनट के लिए 2 मिनट तक पकने देंगे। इसको हम हलाएंगे इसमें हल्दी 1 चम्मच, हम इसमें अभी पालक डालेंगे। आपको पानी डालने की जरूरत नहीं, ये पालक अपने आप पानी छोड़ेगी। इसके बाद आप धीमी आंच कर दीजिए इसकी और इसको 15 मिनट तक पकने दीजिए और बीच बीच में थोड़ा थोड़ा हिलाते रहिए। इसमें आप थोड़ा सा गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं, ज़्यादा डालने की जरूरत नहीं है, पर हमें गरम मसाले से डॉक्टर ने वर्जित किया हुआ है, इसलिए हम इसमें डाल नहीं सकते, नहीं तो हमारा बंदा मर जाएगा।
इसको अब हम थोड़ा हलाएंगे। पालक का फ्लेवर बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया स्मेल आ रही है पालक की। पालक और आलू में कभी भी मसाला ज़्यादा मत डालो, इससे इसका फ्लेवर ख़त्म हो जाता है। बनकर तैयार, हम ढक्कन खोलेंगे इसका और ये देखिए, बहुत ही बढ़िया सब्जी की स्मेल, बहुत ही बढ़िया सब्जी। और ये है आपकी सब्जी तैयार, आलू पालक।